लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सपनों के सफर में हारने का मन कर रहा है, सब कुछ छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीने का मन कर रहा है, तो ये कहानी आपको हिम्मत देगी और इस छोटी सी कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का कहानी। तो ये कहानी एक आदमी और एक गधे की है। इस कहानी को ध्यान से आप समझना। एक आदमी जंगल से जा रहा होता है, उसके साथ में एक गधा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो गधा एक गड्ढे में गिर जाता है। वो गधा काफी कोशिश करता है उस गड्ढे से बाहर निकलने की, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वो गधा उस गड्ढे से बाहर निकल नहीं पा रहा था। उस आदमी ने भी काफी अलग अलग उपाय सोचे गधा को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो आदमी हार मानकर ये सोच लेता है कि उसका गधा अब उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। वो आदमी सोचता है कि अब गधे को इसी गड्ढे में दफन कर देना चाहिए ताकि इसे कोई जानवर मारकर खा ना ले। थोड़ी ही दूर मिट्टी का ढेर होता है। वो आदमी मिट्टी के ढेर से मिट्टी लेकर उस गड्ढे में गधे के ऊपर डालता है। वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी उस गधे के ऊपर डालता है, लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि गधा दफन होने के बजाय मिट्टी के सहारे ऊपर ऊपर आता, यानी धीरे धीरे मिट्टी की वजह से वो गड्ढा भरता जाता है और वो गधा ऊपर आता रहता है। दोस्तों, जहां एक वक्त उस आदमी ने हार मानकर और ये सोचकर उस गधे को दफनाने का निर्णय लिया था, उस गधे को बचाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो आदमी उस गधे को दफना रहा था, उसी तरीके से उस गधे की जिंदगी बच गई। तो दोस्तों, हमारे लाइफ में भी ऐसा वक्त बार बार आता है जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें जिसका कोई हल नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसी कोई मुश्किल ही नहीं है जिसका कोई हल ना हो, यानी हर मुश्किल का हल है।